और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में छठ मनाने वालों को झटका लगा है क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी को खारिज कर दिया है। यमुना किनारे छठ की इजाजत मांगी गई थी अर्जी में और यमुना में आलूदगी रोकना है। हाईकोर्ट ने ये तबसरा किया है इसलिए ये बैन लगाया गया है। छठ का पर्व नजदीक है, ऐसे में दिल्ली में यमुना किनारे छठ मनाने के लिए अर्जी लगाई गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया है। दिल्ली में छठ मनाने वालों को ये बड़ा झटका लगा है। पूर्वांचलियों की एक बड़ी तादाद है जो दिल्ली में मौजूद है और छठ का त्यौहार मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से छठ का त्यौहार मनाया जाता है हर साल, लेकिन यमुना के अंदर बढ़ती हुई गंदगी के लेवल को देखते हुए हाईकोर्ट ने फिलहाल बैन लगाया हुआ है यमुना के घाटों पर छठ पर्व मनाने को लेकर। और इसको लेकर एक अर्जी भी दाखिल की गई थी जिसे आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी है। यमुना किनारे छठ की इजाजत मांगी गई थी इस अर्जी में। यमुना में आलूदगी रोकना मकसद है, हाईकोर्ट ने ये बयान तबसरा किया है और इसलिए ये बैन लगाया गया है। हाईकोर्ट का ये तबसरा उन लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका है जो दिल्ली में यमुना घाट पर छठ मनाने का इंतजार कर रहे हैं। अर्जी भी लगाई गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया।